नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने जा रहा परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना में मेडिकल छात्र के साथ उसके चाचा, मामा और मौसेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में सनाका खिंच गया है। सड़क दुर्घटना का शिकार परिवार शहर के चर्चित पैथोलॉजी सेंटर सत्यम पैथोलॉजी के संचालक और समाज सेवी दिनेश त्रिपाठी के सुपुत्र बताए जाते हैं। वहीं घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से कार टकरा गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बांगरमऊ के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुबह 6 बजे आगरा की ओर जा रही कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं और कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहटा पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया था, लेकिन चिकित्सकों के लाख प्रयास के बाद भी जान नहीं बचाई जा सकी। थाना पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, जिनकी उम्र 43 वर्ष बताई जाती है, अजय कुमार पांडे 46 वर्ष और शुभम त्रिपाठी 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आशुतोष शुक्ला 36 वर्ष घायल थे, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये सभी रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिछिया और महाजन टोला के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार की सुबह सभी के शव जिला पहुंचेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।